हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए वुडन बहुपजल 6 पीसेस की सॉल्यूशन वाली वीडियो लेके आ रहा हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम सीख रहे हैं वुडन बहुपजल को सॉल्व करना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी वुडन पजल को स्क्रैम्बल करना। तो हमारी वुडन पजल को स्क्रैम्बल करने के लिए हमें इसके हर एक पीस को पुश या फिर पुल करना है। एक पीस ऐसा होगा जो बाहर आ जाएगा और उस पीस का नाम है लॉक पीस, क्योंकि वो हमारी पजल को लॉक करता है और अनलॉक भी। तो ये बाहर आने के बाद हमारा जो पजल है वो पूरा स्क्रैम्बल हो जाएगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी पजल को सॉल्व करना। तो हमारा जो पजल है वो अब स्क्रैम्बल हो चुकी है। अब हम अपने पीसेस को इस तरह से सीक्वेंस में रख लेंगे और फर्स्ट नंबर वाला पीस उठाएंगे और सेकंड नंबर वाला भी, और सेकंड नंबर के पीस जो है उसका ये वाला बैक साइड इसके इस फ्रंट साइड से टच करेंगे और अपना अंगूठा जो है यहाँ पे लगा लेंगे ताकि ये हमारा गिरे ना। और फिर अब हम थर्ड पीस उठाएंगे और थर्ड पीस को यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। तो थर्ड पीस लगने के बाद हमारे यहाँ पे एक स्क्वायर आपको दिखेगा। तो स्क्वायर दिखने के बाद यहाँ पे एक गैप और होगा, उसको हमें फिल करने के लिए फोर्थ नंबर वाला पीस उठाना है। और फिर उस फोर्थ नंबर वाले पीस को यहाँ की जो ये साइड है इसको ऊपर रखते हुए इसकी ये वाली एरोज उसकी उस साइड पुश राइट साइड डायरेक्ट करते हुए हमें इसके अंदर डालना है। फिर ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। फिर हमें फिफ्थ नंबर वाला पीस उठाना है और इसको यहाँ पे रखना है। तो इसको रखने के लिए आपको एक दिक्कत होगी, इसलिए आपको इस पीस को ऊपर उठाना है और फिर इसके अंदर ऐसे डालना है और फिर इसको ठीक कर लेना है। और अब हम सिक्स नंबर वाली पीस को उठाएंगे और इसके स्क्वायर में अंदर फिट कर देंगे। तो ये पीस हमारा अंदर फिट हो गया है। हमारी जो पजल है वो अब सॉल्व हो चुकी है। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस स्नेक पजल को कैसे सॉल्व करते हैं। बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।